वहीं गाजियाबाद के लोनी थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस वारदात में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। वहीं घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसकी पहचान दिल्ली के रहने वाले वकील के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक स्कूटी और एक तमंचा के साथ ही कारतूस भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि शुक्रवार शाम रूटीन चेकिंग चल रही थी, इस दौरान एक स्कूटी पर दो लोग आते नजर आए और उनको रोकने के लिए स्कूटी सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और स्कूटी भगा कर ले गए। पुलिस ने उनका पीछा किया और जवाबी कार्रवाई में वकील नाम के बदमाश को, जो दिल्ली का निवासी है, 25,000 का इनामी भी है, इसको गोली लग गई जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा। गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 25,000 के इनामी वकील को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहीं उसका साथी बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा। बताते चलें कि इनामी बदमाश कई दिनों से फरार चल रहा था, वहां से वो भागे। चिरौड़ी चंक को इंचार्ज उधर से पीछा करते हुए आए, सेट पर कॉल हुई कि दो लोग भाग रहे हैं, पुलिस पर फायर करते हुए। इधर राशिद अली गेट की तरफ से हमारी जो SHO मोबाइल है वो आई, बीच में बदमाश को घेरा गया। निठौरा अंडरपास के पास पहुंच के फिर पुलिस जब चेज की बदमाश को ललकारी तो बदमाश ने काउंटर फायरिंग फिर पुलिस पर करी। पुलिस ने अपने आत्मरक्षार्थ बचाव में फायरिंग करी, उसमें एक बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश जो है उसकी तस्दीक वकील उर्फ टुइया के रूप में हुई। सर, क्या और इस पर 50 से अधिक मुकदमे लूट, चोरी और आर्म्स के कायम है। बहुत ही सातिर किस्म का अपराधी है। उसके